Yes, sir. ओके okay. बाकी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई जो मैंने अभी बताई? बेटा जस्ट लेट मी नो एवरीवन, यस सर, ठीक है बेटा? मुझे आंसर चाहिए, नहीं तो मैं क्लास को 7 बजे तक बढ़ा दूंगा। धमकी दे रहा हूँ सीरियसली, आप इसको धमकी समझो, तुम अपने हिसाब से जो चाहे समझ लो, मुझे आज आंसर चाहिए नहीं तो क्लास बढ़ा दूंगा। चलो, तो तुमने ये देखा कि आपके ये एटीपी डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज हो गए थे, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज, पहले तो आपका एक वर्ड आता है मूवमेंट और एक वर्ड आता है लोकोमोशन। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? आपको जो मैंने बताया, एक वर्ड आपका बताया मैंने मूवमेंट और एक वर्ड होता है लोकोमोशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? इज देयर एनी डिफरेंस मूवमेंट एंड लोकोमोशन में? जल्दी बताओ, कोई डिफरेंस है इनमें आपको? ओके, मूवमेंट अंकिता, मूवमेंट एक ही जगह पे मूव करना, मूवमेंट, अच्छा लाइक दिस, ठीक है चलो गॉट इट, सही है। बाकी बच्चों प्लीज चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। देखो दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। मूवमेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैं यहां से उठ के किचन में गया पानी पीने के लिए, तो मैंने अपनी पोजिशन चेंज करी। जब आप अपनी पोजिशन चेंज करते हो तो उसे कहते हो मूवमेंट, ओके? तो इस मूवमेंट में भी आपकी एनर्जी जा रही है, यूज होगी ऑब्वियसली, समझ, सीधी सी बात है, राइट आशीष, वर्षा, जनक, आराधना, कि भाई आपको पानी पीना था, आप फ्रिज तक गए, फ्रिज तक चलकर गए, तो आपकी बॉडी ने कुछ एटीपी खर्च किए, ठीक है? तो दैट इज अ मूवमेंट जिसमें आपकी एटीपी यूज हुई। इसी तरह लोकोमोशन, लोकोमोशन में क्या है, यहाँ पोजीशन में चेंज नहीं होगा लेकिन आपके कोई बॉडी पार्ट अगर मूव कर रहा है, जैसे मेरी फिंगर्स है तो मैं इस फिंगर को मूव करा रहा हूं, ठीक है? दैट इज, तो ये है आप मूवमेंट, सॉरी दिस इज अ मूवमेंट बेटा, ठीक है? दिस इज अ मूवमेंट कि मैं अपनी फिंगर्स को मूव करा रहा हूं, तो दैट इज अ मूवमेंट। लेकिन मैं एक जगह से दूसरी जगह गया तो दैट इज लोकोमोशन। माय मिस्टेक बेटा, लेट मी करेक्ट इट। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो दैट इज लोकोमोशन जिसमें आपकी एनर्जी यूज होगी। और मूवमेंट, जैसे मैं अपना बॉल बोल रहा हूं या अपने फिंगर्स को मूव करा रहा हूं, तो दिस इज मूवमेंट, इसमें भी मेरी एनर्जी यूज होगी। तो दोनों ही आपकी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, दोनों में ही आपके एटीपी क्या होंगे, यूज होंगे। इज इट क्लियर? आराधना, वर्षा, यस सर, आशीष, झनक, सभी को ओके okay, तो दोनों में आपका क्या है, एटीपी यूज हो रहे हैं, चाहे आप मूवमेंट करें चाहे आप लोकोमोशन करें। आपके लोकोमोशन आपको देखने को मिलता है एनिमल्स में, लोकोमोशन जो होता है ये आपके एनिमल्स में होता है, मूवमेंट जो होता है ये आपका प्लांट्स में होता है, साथ के साथ में एनिमल्स में भी होता है, दैट इज ऑल्सो अकर इन एनिमल्स। दोनों में आपको देखने को मिलेगा, प्लांट्स और एनिमल्स में मूवमेंट। प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते लेकिन मूवमेंट करेंगे, तो एटीपी वो भी खर्च करेंगे हमारी तरह ही, ओके? अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे समझाना है यहाँ पे, आपका ट्रांसपोर्टेशन। मैंने अभी बताया आपका ट्रांसपोर्टेशन में भाई कि आपके एटीपी जो है खर्च होते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जो आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ोगे, दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होगा तरीका। प्लांट्स जो होंगे अपने अंदर वाटर या फ्लोएम, ठीक है, आपका जाइलम या फ्लोएम, दोनों क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम वाटर का करेगा, फ्लोएम फूड का करेगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से करेंगे, वाटर का भी और फूड का भी। या तो ट्रांसपोर्टेशन होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट या आपका होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। इज इट एक्टिव एंड पैसिव? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, मूवमेंट, मूवमेंट जो होगा वो होगा लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन। यू कैन सी कि आपका एक तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, जहां मैंने दिखाया सिर्फ 5 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, दूसरी तरफ आपके मॉलिक्यूल्स कितने, 10। तो भाई ये इधर से अगर इधर जा रहे हैं, यानी आपके लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है आपका, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आई? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, आपका लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं।
इसलिए यहां पर आपके एटीपी यूज होंगे, द एटीपी विल बी यूज हेयर। आशीष, अंकिता, आराधना, वर्षा, जनक, इज इट क्लियर? फिर से समझाओ इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में। ठीक है, अब इसको यहां देखना, जो मैंने बताया उस बात को यहां समझो। ओके अंकिता, बाकी बच्चे इस चीज को यहां देखो। देखो बेटा, हाँ बेटा जनक कर रहा हूं, यहां मैंने समझाया था एक्टिव में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, आपका जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, यहां पे जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का वो कहां से होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कर रहे हैं। ओके आराधना, आशीष, जनक बेटा, वर्षा, अब इसका एग्जांपल ले लो ये वाला। याद है मैंने शायद ये एग्जांपल पहले भी डिस्कस किया था कि अविनाश के संग डिस्कस किया था, किसी के संग डिस्कस किया था कि आप साइकिलिंग करने गए, ठीक है, आपको साइकिलिंग करनी है, आप पहले यहां हैं इस पॉइंट पे, पॉइंट ए, और आपको ट्रैकिंग करनी है, साइकिलिंग करने जा रहे हो पहाड़ों पे, तो भाई आपको यहां से इसके टॉप तक जाना है, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, टॉप पे। तो बेटा जब तुम नीचे से ऊपर की ओर जाओगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो आप एनर्जी यूज करोगे कि नहीं करोगे? आपको पैडलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, यू नीड मोर पैडलिंग, है ना बेटा? राइट। एंड जब आपको इस बी पॉइंट से, इस टॉप से नीचे आना है, तो अब आपको इस पॉइंट तक आने के लिए, नीचे डाउन तक आने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए आपको पैडलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऊपर थोड़ी सी पैडलिंग करी, आप डाउनफॉल नीचे की तरफ आ रहे हो, तो आपको बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, आप बिना पैडलिंग करे आराम से नीचे तक आ गए। ओके, यही चीज सेम यहां समझाई कि भाई आप जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करते हो, या मॉलिक्यूल्स आपके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएंगे, तो एटीपी लगेंगे, यहां एटीपी यूज हो जाएंगे। लेकिन जब आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आओगे, तब आपके कोई एटीपी यूज नहीं होंगे, नो एटीपी विल बी यूज। अब क्लियर आराधना, आशीष, वर्षा, जनक? यस सर। ठीक है, दैट इज, तो अब तुम्हें मैंने अभी समझाया था कि आपके ट्रांसपोर्टेशन में आपकी एनर्जी यूज होती है, तो कौन से ट्रांसपोर्टेशन के एनर्जी यूज होगी, आपके एक्टिव के अंदर होगी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा था एनर्जी यूज होगी, लेकिन कौन से में, सिर्फ इसके अंदर, पैसिव के अंदर एटीपी यूज नहीं होंगे, क्योंकि पैसिव के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट आपका हाई से लो हो रहा है, पैसिव के अंदर आप देखो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपका मूवमेंट हो रहा है, यहां एटीपी खर्च नहीं होंगे। सो और आप जब लो से हाई की तरफ मूव करोगे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, तो एटीपी खर्च होंगे। डन मेरे बच्चों, अब क्लियर इस कंसेप्ट को? यस सर, क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तुम लोग नोट डाउन कर रहे हो ना बेटा इन चीजों को? जस्ट लेट मी नो। तो अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं अब, और आगे चल के देखते हैं। हमने अभी ये देख लिया कि आपका, अब तक हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि हुआ क्या। हमने ये देखा कि भाई फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपके जो ग्लूकोज बना उसमें आपके 6 कार्बन थे, कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट थे, जिसको हाइड्रोलाइज एंजाइम के थ्रू आपने ब्रेक डाउन किया, उससे आपको एनर्जी मिली थी, वो एनर्जी डायरेक्टली यूज हो नहीं सकती थी, जिसको आपने, आपकी बॉडी ने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एटीपी की फॉर्म में, एंड देन यूज किया। एटीपी को हमने एनर्जी करेंसी कहा, क्योंकि वहां पे आपके फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होते थे, जो एटीपी के ब्रेक डाउन होने पर आपको एनर्जी देते थे। दैट इज, ये एनर्जी फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज हुई। कौन कौन सी? जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, मूवमेंट, लोकोमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनमें आपने ये चीज देखी। दैट इज, अब आ जाते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, सोर्स ऑफ फूड, भाई आपको फूड किससे मिल रहा है? अगर आराधना, वर्षा, शिल्पा, झनक, शिल्पा तो है नहीं आज,
अविनाश, अविनाश भी नहीं, एंड अंकिता, आशीष। बेटा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को फूड किससे मिल रहा है तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? प्लांट होगा ऑब्वियसली, वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम प्लांट्स और नॉट, राइट? है ना बच्चे, हम लोग खाना ले रहे हैं भाई प्लांट से ले रहे हैं, वी आर टेकिंग, है ना? या कोई कार्निवोर भी है अगर, ठीक है, कार्निवोर्स की भी अगर हम बात करें तो वो भी आपका खाना जो ले रहा है अल्टीमेटली आपके प्लांट से ही ले रहा है, क्योंकि वो भले हर्बीवोर्स को खा रहा है लेकिन वो हर्बीवोर आपका किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। तो आपके कार्निवोर्स भी इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है। तो आपका जो सोर्स ऑफ फूड है इस प्लैनेट पे, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर प्लैनेट, अर्थ की बात करें भाई, तो हमारा सोर्स ऑफ फूड क्या है हम सबका? प्लांट है। एंड प्लांट खाना किसके थ्रू बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रहे होते थे, राइट? तो हम लोग सीधी सी बात देखते हैं, सीधी सी बात जानते हैं कि आपका प्लांट जो है वो कर रहा है फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने बनाया अपना खाना। अब इस प्लांट को खाया एक हर्बीवोर ने, तो ये तो डायरेक्टली इस प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है, डायरेक्टली आपके प्लांट के ऊपर ही अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। दूसरी तरफ था आपका कार्निवोर, ये खा रहा है हर्बीवोर्स को, और हर्बीवोर खा रहा था प्लांट को, जो मैंने अभी बात बोली। तो इसीलिए आपके कार्निवोर्स जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, दे आर डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स। क्लियर बात मेरे बच्चों? अब आ जाओ आगे, यहां पे अब आपका रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, आपने ये देख लिया कि भाई फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस आपका सोर्स ऑफ फूड है जिससे आपको खाना मिल रहा है, अल्टीमेट सोर्स क्या है आपका? दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब यहां पे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, कि रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट क्या? रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का मतलब है दैट इज फूड, ठीक है, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का मतलब क्या हो गया? फूड, कि आप जो खाना खा रहे हो या प्लांट जो खाना बना रहे हैं या एनिमल्स जो खाना खा रहे हैं उसमें मेन सब्सट्रेट क्या है जिससे कि आपको एनर्जी मिलेगी? आराधना, अंकिता, वर्षा, जनक, आशीष, ये वाली बात समझ में आई? सर और एक बार। ओके, मैंने कहा बेटा आपका रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का मतलब क्या? रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का मतलब वो कि जो आपको एनर्जी दे रहा है फूड के अंदर। हमने जब शुरुआत में ये टॉपिक पढ़ा था तो यहां मैंने आपको बताया था कि आपके फूड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। आपके फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपके फूड के अंदर प्रोटीन थे, आपके फूड के अंदर फैट थे और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड थे। इनमें से जो सबसे कॉमन था, जो आपको एनर्जी देता था, जिसका आपका ब्रेक डाउन होता है और आपको एनर्जी मिलती है, वो क्या था? कार्बोहाइड्रेट। आराधना, क्लियर वाली बात? वर्षा, अंकिता, जनक, आशीष, है ना? ये था आपका, दैट इज, ये था आपका क्या? दैट इज, ये आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या था आपका? दैट इज, आपका कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, है ना? आपके फूड में जो आपको एनर्जी देता है वो क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे कॉमन क्या? आपका ग्लूकोज। भाई अल्टीमेटली आपको ग्लूकोज ही मिल रहा है, स्टार्च आपने लिया था प्लांट से, उस स्टार्च को कन्वर्ट किया माल्टोस में और माल्टोस से बन गया आपका अल्टीमेटली ग्लूकोज। तो सबसे कॉमन आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? दैट इज ग्लूकोज, जो आपको एनर्जी दे रहा है, विच इज गिविंग द एनर्जी। अब आ जाओ यहाँ पे बेटा नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हो सकते हैं? तो ये आपके प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके फैट हो सकते हैं, जो कि हमने देखा था फैट में आपका क्या था? ग्लाइकोजन। सबसे पहला आपका था कार्बोहाइड्रेट, दैट इज, उसके बाद दूसरा जो आपकी बॉडी यूज करती है एज ए एनर्जी, फैट को यूज करती थी, दैट इज, और नेक्स्ट था आपका दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ये कोई नई चीज नहीं बेटा, ये चीज हमने अभी लास्ट क्लास में देखी थी और जस्ट अभी मैंने समझाई। अब आराधना समझ में आ गया रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट क्या होते हैं सभी को? अंकिता, जनक, वर्षा, आशीष, शिल्पा, इज इट क्लियर? व्हाट आर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट? रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट जो आपको एनर्जी देंगे, विच विल गिव एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या आपका फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे आपको जो एनर्जी देगा वो कौन सा सब्सट्रेट होगा? उस सब्सट्रेट को आप क्या कह रहे हो? रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कह रहे हो। और यहां आपका रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट क्या होता है सबसे कॉमन? दैट इज कार्बोहाइड्रेट होता है। इज इट क्लियर?
कोई डाउट तो नहीं ना बच्चों इसमें? ये चैप्टर सिर्फ समझने वाला है, अगेन आई एम सेइंग, इसलिए अच्छे से समझते हुए चलना. ओके दैट इज. ओके अब आपका यहां पे एक और टर्म बता देता हूं हाथ ही हाथ में. यहां पे आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कॉमनली क्या है? कार्बोहाइड्रेट. जब आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है जिसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो और बदले में एनर्जी ले रहे हो, ठीक है, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट. और जब कार्बोहाइड्रेट आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है तो दैट इज इसको बोलते हैं आप फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. आपने अभी तक एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन सुने थे, यहां पे हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. एक मिनट बच्चों. फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इसे आप कहते हैं. फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई जब आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट. यहां पे आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. That is also a type of respiration. Floating respiration is also a type of respiration. यहाँ पे हमने respiration जो divide किया है वो हमने respiratory substrate के base पे किया है. जब आपका carbohydrate respiratory substrate है तो उसे आपने floating कहा. और जब आपका protein respiratory substrate होता है, when it is a respiratory substrate, तो उसको आप बोलते हो protoplasmic. This is called protoplasmic respiration. Protoplasmic respiration. ठीक है, यहां पे आपका respiratory substrate क्या है? Protein था, ठीक है. When this is a respiratory substrate, then it is called protoplasmic respiration. Done. आराधना, शिल्पा, वर्षा, जनक, आशीष, क्लियर वाली बात? Yes. ठीक है, इनको मार्क कर लेना दोनों वर्ड्स को. प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन दैट इज जब प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, एंड फ्लोटिंग जब आपका कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है. और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट डन. अब बात कर लेते हैं ब्रीथिंग इंप्लांट्स. ब्रीथिंग इंप्लांट्स की भाई प्लांट्स के अंदर ब्रीथिंग हो. अच्छा चलो हम इसको बात करेंगे. प्लांट के अंदर ब्रीथिंग है तो कैसे हो रही है? भाई ब्रीथिंग का मतलब सीधी सी बात है गैसियस एक्शंस हो रहा है. एज 10th क्लास का टॉपिक जो आपने पढ़ा कि ब्रीथिंग में हो क्या रहा है? गैसियस एक्शंस हो रहा है. दैट्स ऑल राइट. देयर इज जस्ट ओनली अ गैसियस एक्शंस. आपको गैसियस एक्शंस यहां देखने को मिल रहा है. ओके और यहाँ पे गैसियस एक्शंस कैसे होगा आपके प्लांट्स में? आपके या तो लीफ के थ्रू होगा या फिर आपके स्टेम के थ्रू होगा, ठीक है. दैट इज लीफ या स्टेम के थ्रू आपका गैसियस एक्शंस देखने को मिलता है. लीफ में गैसियस एक्शंस किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू होगा. और स्टेम में लेंटिसेल्स के थ्रू होगा. आपने ये चीज पढ़ी होगी आपके मॉर्फोलॉजी के अंदर प्लांट में, राइट. आपके स्टोमेटा जो होते थे वो आपके लीफ में प्रेजेंट है. दीज आर द पोर्स. इसी तरह आपके स्टेम्स, ये आपके इनमें क्या प्रेजेंट होता था? लेंटिसेल्स. लेकिन कौन से? सिर्फ वुडी स्टेम्स में. अगर आपका स्टेम हर्बेशियस है यानी आपका सॉफ्ट स्टेम है, जैसे टमाटर देख लो या आपके जो हर्ब्स हैं उनको देख लो, कोरिएंडर देख लो, ठीक है. अगर आप उन्हें देखोगे तो उनके स्टेम्स बहुत सॉफ्ट होते हैं. दैट इज तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर भी बेटा
स्टोमेटा ही प्रेजेंट है, उनमें लेंटिसेल्स नहीं होंगे, रिमेंबर। क्लियर बात बच्चों? यस सर। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, स्टोमेटा या आपके लेंटिसेल्स सिर्फ वुडी प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं। मैंने ये चीज आपको एनाटॉमी में भी समझाई थी सेकेंडरी ग्रोथ में, कि भाई जब आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती थी अंदर से, तो पहले आपकी जो सेकेंडरी ग्रोथ जब अंदर से स्टार्ट होती थी, तो अंदर आपकी पहले एंडोडर्मिस थी, एंडोडर्मिस के ऊपर फिर आपका क्या आ गया था, दैट इज आपके ग्राउंड टिश्यूज आ गए थे, ग्राउंड टिश्यूज के ऊपर आपका फिर क्या था, दैट इज एपिडर्मिस था, तो वो धीरे धीरे रप्चर होने लगते थे, ठीक है, टूटने लगते थे, एंड अल्टीमेटली जब एपिडर्मिस टूट जाती थी तो छोटे छोटे पोर्स बन जाते थे जिन्हें आप लेंटिसेल्स कहते थे। तो दैट इज यही वही है सेम। तो यहाँ पे गैसियस सेक्शंस आपके स्टोमेटा या लेंटिसेल्स से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप होता है सीधा कि भाई आपके प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं है। जैसे हम एनिमल्स की बात करें या इंसेक्ट्स की बात करें, तो आपने देखा हम सभी में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे। इंसेक्ट्स में आपने देखे ट्रैकिया थे, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में आपने देखे थे, हमने कॉर्डेट्स में देखे तो आप देखोगे दैट इज गिल्स प्रेजेंट होते थे, ठीक है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा था। प्लांट्स में ऐसा क्यों नहीं है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है बेटा कि प्लांट्स के अंदर सारे पार्ट्स जो होते थे अपने अपने पार्ट की खुद केयर कर सकते हैं। जैसे प्लांट के अंदर कोई एक सिंगल लीफ नहीं है, प्लांट के अंदर बहुत सारी लीव्स हैं, ठीक है, हर एक लीफ के अंदर खुद के स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो हर एक पार्ट अपनी खुद की केयर कर सकता है। दैट्स वाई प्लांट्स के अंदर जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उनकी जरूरत नहीं पड़ती। गॉट इट रितिका? Yes. शिल्पा? ओके आराधना, इज इट क्लियर ना सभी को? ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ऑन गैसियस सेक्शंस नीड्स, सो गैस ट्रांसपोर्ट इज वेरी लिमिटेड। आपका हर एक पार्ट अपने खुद की गैस पार्ट की क्या कर रहा है, टेक केयर कर रहा है, गैसियस सेक्शंस कैसा हो जाएगा, बहुत लिमिटेड हो जाएगा, तो इसलिए इनमें कोई भी अलग से स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे हम अपनी बात करें तो भाई हमारे में लंग्स हैं जिसके थ्रू गैसियस सेक्शंस हो रहा है, तो हमारे में एक स्पेशल पार्ट प्लांट्स में नहीं है। अब जैसे यहाँ मैंने डायग्राम में समझाया था बेटा कि भाई आपकी ये लीफ दैट इज सारी लीव्स प्रेजेंट है, इतनी सारी, एक मिनट, दैट इज ये एक लीफ, ठीक है, ये एक लीफ, ओके, ये भी लीफ, ये भी लीफ, अलग अलग लीव्स है। अब हर एक लीफ के अंदर अपने खुद के क्या है, दैट इज स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो हर एक स्टोमेटा से आपका गैसेस अंदर आ रही है और गैसेस बाहर जा रही है, दैट इज। तो बेटा ये गैसियस एक्शंस इसी यहीं तक ही तो लिमिटेड रहेगा, इस लीफ के अंदर, इस लीफ के अंदर जो गैसियस एक्शंस है वो यहां तक लिमिटेड रहेगा, ठीक है, इस लीफ के अंदर यहां तक लिमिटेड रहेगा, और इस लीफ के अंदर अपना खुद का यहां तक लिमिटेड रहेगा, यानी हर एक लीफ के अंदर गैसियस एक्शंस लिमिटेड हुआ कि नहीं हुआ। और स्टेम के अंदर आप जानते हो लेंटिसेल्स प्रेजेंट थे, तो किसी एक पार्ट में तो स्टेम में लेंटिसेल्स होंगे नहीं, लेंटिसेल्स पूरे के पूरे पार्ट में प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, पूरे स्टेम में होंगे कि नहीं होंगे, हाँ बच्चों, जैसे ही देखो है ना, ये आपका स्टेम है, एक मिनट समझा देता हूँ, ये आपका स्टेम था, ठीक है। अब भाई यहाँ पे ये आपका दैट इज स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है, ये आपकी स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट थी, दैट इज ये स्क्लेरेंकाइमा दिखा दी मैंने डायग्राम से, समझ लो आशीष बेटा, समझ में आ रही ना बात? यस सर। ठीक है, ठीक है, ये आपके दैट इज स्क्लेरेंकाइमा थे, स्क्लेरेंकाइमा, और स्क्लेरेंकाइमा के पीछे आपका अंदर की तरफ प्रेजेंट है दैट इज पैरेंकाइमा, दैट इज पैरेंकाइमा, ग्रीन कलर से दिखा दिया है, पैरेंकाइमा है। ठीक है, दैट इज पैरेंकाइमा, और ये जो पार्ट दिखाया है ये क्या है, दैट इज लेंटिसेल्स। तो भाई लेंटिसेल आप खुद देख रहे हो इस पूरे स्टेम के अंदर कोई एक स्पेसिफिक रीजन में नहीं प्रेजेंट है, ये पूरे के पूरे स्टेम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी जो गैसेस आएंगी वो सिर्फ लिमिटेड एरिया तक ही रहेंगी, क्योंकि इतने सारे लेंटिसेल्स हैं, हर एक से गैसियस एक्शंस हो रहा है, तो गैसेस आपका प्लांट के अंदर कैसे रहती है, एक लिमिटेड एरिया में रहती है। इज इट क्लियर नाउ? यस, ठीक है, That's why. इसीलिए प्लांट्स को कोई अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती। अंकिता, इज इट क्लियर? शिल्पा, इज इट क्लियर? रितिका, इज इट क्लियर? लेट मी नो, सभी को क्लियर होने वाली बात? चलो ठीक है बच्चों, ओके।
अब आ जाओ इसके बाद, अभी आपने देखा सबसे पहले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपने समझ लिया कि भाई जो आपको ऑक्सीडेशन के टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, तो कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता था, दैट इज, और जब कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है तो उसको आप बोलते हो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। उसके अलावा प्रोटीन भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जब प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो उसको बोला आपने प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। देन उसके अलावा फैट भी आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम करता था, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं बॉडी में, फिर आपके फैट जो होता था ग्लाइकोजन उसका यूज किया जाता था आपको एनर्जी देने के लिए। एंड देन इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो आपको यूज होते थे एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब आ जाते हैं, उसके बाद देखा आपने कि भाई ब्रीथिंग कैसे हो रही है प्लांट्स में, तो आपने देखा ब्रीथिंग प्लांट्स के अंदर लिमिटेड ऑर्गन तक, लिमिटेड पार्ट तक हो रही है, क्योंकि उनमें आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टोमेटा और लेंटिसल्स प्रेजेंट हैं, सो दैट्स व्हाई एक पर्टिकुलर एरिया तक ही गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, लिमिटेड गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। देन आपने, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये जो पॉइंट है कि आपके एनिमल्स के अंदर तो गैसियस एक्शन ज्यादा होता है, प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्शन कम होता है, ठीक है, सीधी सी बात अभी हमने ऊपर जो समझा उसी को बताया गया। गैसियस एक्सचेंज इज वेरी लो एज कंपेयर टू एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स में आपका क्या है, प्लांट्स आपके स्टैटिक हैं, लोकोमोशन नहीं कर रहे। प्लांट्स के अंदर काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो नहीं होती जैसे एनिमल्स में होती है। प्लांट्स हमारी तरह बातें नहीं कर रहे, ठीक है, हमारी तरह मूव लोकोमोशन नहीं कर रहे, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू एनिमल्स कम हो जाती है। प्लांट्स के अंदर आपने देखा था कि एक लिमिट हर एक पार्ट में